गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज़ में। दोस्तों, ये हमारी 14वीं वीडियो है हिंदी माध्यम में मेंस जनरल आंसर राइटिंग को लेकर के। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 13 वीडियो अपलोड कर रखा है। जो व्यूअर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पहले की सारी वीडियो अपलोडेड मिलेगा। फ्रेंड्स, जिस तरह से हम पहले वाले वीडियोज़ में बात किए, आज का भी वीडियो का सेशन उसी तरह का है। इस सेशन को भी हम दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहले पार्ट में हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे और उसका आंसर आपको लिख करके टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेंड कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने पास आंसर को लिखेंगे और जब हम आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें उस आंसर में उस सिनॉप्सिस को इस क्वेश्चन का बात करेंगे, जिससे आप अपने आंसर को इवेलुएट खुद से भी कर सकते हैं और आपको लग सकता है कि आपने क्या पॉइंट मिस किया है या आपको कुछ ऐड ऑन करने के लिए कोई नया पॉइंट मिला तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ में हम आपसे बात करेंगे कि आज जो टॉपिक हम आपको दे रहे हैं वो टॉपिक आप कहाँ से पढ़ेंगे और उसका डायमेंशन टॉपिक का कैसे आप कवर करोगे। तो चलिए, पहले सबसे पहले हम देखते हैं आज का क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन है कि क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन ने उनकी जो धर्म निरपेक्ष साख थी ना, उसको बट्टा लगा दिया था, ऐसा क्या आप मानते हैं। इस पर आपको अपना तर्क प्रस्तुत करना है और ये क्वेश्चन का जवाब आपको 250 शब्दों में देने हैं। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या आपके विचार में खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी के समर्थन ने उनकी धर्मनिरपेक्ष साख को बट्टा लगा दिया था, अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। आप टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं आपको यहां पे लिंक दिख रहा होगा जीएस मेंस आईएएस, आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके अपना आंसर लिखेंगे, वहाँ पर आपका आंसर इवेलुएट हो जाएगा। और यदि आप नहीं सेंड करते हैं तो आप अपने पास रखें और जब इसका सिनॉप्सिस हम प्रोवाइड करेंगे उससे आप अपना मैच कर लेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को हम देखते हैं। आज के टॉपिक में गांधी एरा ही चल रहा है, गांधी एरा को आज फिनिश हम कर देंगे। उसके बाद हम आगे जो बात करेंगे वो फिर 1947 के बाद की राजनीति की भी बात होगी और उसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट के वीडियो होंगे वो अपलोड होंगे। देखो, आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर के, CDM को लेकर के। आपको ध्यान में यह रखना है कि गांधी ने जो आंदोलन शुरू किए, ठीक है, उसके पहले आप देखोगे कि इस आंदोलन की शुरुआत से पहले गांधी ने इरविन से, लॉर्ड इरविन से, आप देखेंगे कि उनसे एक मीटिंग की जाती है जनवरी के आसपास, ठीक है, और 1930 में ये मीटिंग होती है और अपने गांधी अपने 11 मांगों के साथ, 11th मांग उनकी होती है, 11 मांग होती है, उसको रखा जाता है लॉर्ड इरविन के समक्ष। ठीक है, आप ये सारे मांग जो हैं, जो मांगें थीं वो आप को मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट आपको रेफर करना है वो करना है स्पेक्ट्रम को, वहाँ पे आप जाएंगे बहुत अच्छे से इसके सारे नोट्स वहाँ पे लिखे, वो एक तरह से नोट्स ही है, कोई बुक नहीं है स्पेक्ट्रम, वो किसी का नोट्स ही है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूरे डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब इसको टॉपिक को देखो पढ़ोगे कैसे, सबसे पहले कि सविनय अवज्ञा आंदोलन थी उसका बैकग्राउंड देखना है, क्यों, क्योंकि गांधी और इरविन की एक पैक्ट होती है, बात होती है और आप उस देखते हैं कि उस जो गांधी इरविन की जो दिल्ली समझौता कहते हैं ना कि जनवरी में आप देखोगे 1930 के आसपास, तो क्या होता है कि गांधी के समय जो मांगे रखी जाती है उसमें से वो मना कर देते हैं। तो मना करने के कारण क्या होता है कि आप देखोगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब आप पढ़ोगे तो उसमें पहला देखना कि कार्यक्रम क्या क्या शामिल था ये देखना, और इससे संबंधित जो यात्राएँ हुई थी, एक बार UPSC में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है कि यात्राएं जो हुई थी, जैसे आप देखोगे कि सी आर गोपालाचारी जो थे उन्होंने तमिलनाडु में जो एक जगह थी तिरुचिरापल्ली, वहाँ से वेदरायन तक, त्रिचा से वेदरायन तक की वो दूरी तय करते हैं। दूसरी आप देखोगे के कलप्पन, इन्होंने कालीकट से देखोगे पयानूर तक सत्याग्रही थे उनका एक समूह का, देखोगे समूह का सिलहट से नोवालाखी, साथ में एक समूह सिलहट से नोवाखली है जगह का नाम, तो सिलहट से नोवाखली एक समूह जाती है। दूसरा के कलप्पन है जो कालीकट से पयानूर तक जाती हैं, और सी आर जो गोपालाचारी होते, सी राजगोपालाचारी होते तमिलनाडु में तिरुचि से
तिरुचापल्ली से वेदरायन तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी यात्राएं किन्होंने किया है, और ये स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से आपको ये बुक मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप ये देखना कि जो उत्तर पश्चिमी जो सीमांत प्रांत के क्षेत्र में आप देखते हैं कि अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, कहते हैं ना खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिन्होंने जिनके द्वारा एक लाल कुर्ती जो आंदोलन था, ठीक है, लाल कुर्ती रेड शर्ट लाल कुर्ती आंदोलन ये चलाते हैं, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ध्यान रखना ये बात। और इन्होंने जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्होंने एक मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था पख्तून, पख्तून, ठीक है, तब पख्तून इनका एक मैगजीन था। तो इस तरह से प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कार्यक्रम में आप देखते हो कि जो स्कूल होते हैं सरकारी, जो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, जो विधान परिषदें होती हैं उनको भी बहिष्कार करने की बात की जाती है। साथ में आप देखते हो कि सरकारी जो सेवाएं थी उससे लोगों को कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। जो विदेशी वस्त्र थे उसका भी बहिष्कार किया जाता है। जो शराबों की जो दुकानें थी, शराबों की जो ठेका थी वहाँ पर भी बहिष्कार किया गया, ठीक है, उस पर वहाँ धरना दिया गया। कर की जो कर थे, जो टैक्स लगाए जाते थे उसकी भी नॉन पेमेंट की बात की गई उस आंदोलन में। वहीं आप देखोगे कि जो रैयत वाली जो क्षेत्र थे वहाँ भी टैक्स का भुगतान से मना करने की बात की गई। जो जमींदार थे, जो जमींदारी क्षेत्र में आप देखोगे कि चौकीदारी कर लगती थी वो भी नहीं देने की बात हुई, आप बिहार और बंगाल के एरिया में देखते हो। वहीं पर जो जंगल हैं, जो जंगली प्रदेश है, वन प्रदेश है, वहाँ पर आप देखोगे जो केंद्रीय प्रांत थे ना उसमें भी जंगल कानून का उल्लंघन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसका नाम है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में आप क्या देखते हो, जो दांडी यात्रा जो कहते हैं नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, तो नमक सत्याग्रह में क्या आप देखते हैं कि 26 जनवरी को क्या होता है, 1930 को एक तरह से कांग्रेस ने क्या कहा कि हम पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 2 मार्च 1930 को आप देखोगे कि गांधी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, शुरुआत की जाती है। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से करते हैं, वो नमक कानून का उल्लंघन करके करते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो समुद्र तट था पे जो दांडी नामक जगह थी वहाँ नमक तोड़ने का निश्चय किया। और वायसराय को उन्होंने क्या किया, एक तरह से उन्होंने एक वार्निंग दे, चेतावनी भी देते हैं सेवाग्राम से। और जहाँ वो अपने दल के साथ लगभग उसमें 78 साथियों के साथ वो क्या करते हैं, लगभग 375 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस वो कवर करके दांडी चल निकलते हैं। फिर 1930 को देखोगे कि 12 मार्च को गांधी ने दांडी के लिए निकलते हैं और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचते हैं। और यह घटना जो है लोगों के बीच में क्या है, दांडी यात्रा के नाम से क्या हो जाता है, काफ़ी फेमस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि ये जो सत्याग्रही थे, ठीक है, जो निकलते हैं सेवाग्राम से दांडी के लिए, तो उसमें देखोगे कि जहाँ भी वो जाते हैं, जिस एरिया में भी जाते हैं, वहाँ पे लोगों ने ना, वहाँ की जनता ने काफ़ी इनका स्वागत करता है। आप देखोगे कि बॉम्बे क्रॉनिकल ने में भी इस घटना का काफ़ी वर्णन किया गया था। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन जुड़ा होगा, दांडी यात्रा। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना, हमने बोला पहला कि आपको कार्यक्रम देखना है, दूसरा देखना कौन कौन सी यात्राएँ हुई, तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह देखना कि मान लो कि कोई आंदोलन शुरू होती है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी, CDM जो हुआ था, उस CDM का कारण क्या था। तो आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को क्या करता है, मानने से मना कर देता है। दूसरा, जो भारतीयों के लिए जो संघर्ष या आंदोलन करने के लिए उन्होंने कोई दूसरा कोई चारा नहीं रहा ना, अब मान लो जो नेहरू ने जो रिपोर्ट दी उसको तो इन्होंने मना कर दिया। दूसरा, आप देखते हो कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह से कहते हैं रिसेशन, इकोनॉमिक आर्थिक मंदी आ जाता है जिसमें भारत पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जिसके कारण देखोगे कि देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। तीसरा पॉइंट ये भी आंदोलन का कारण था कि औद्योगिक और व्यावसायिक वर्ग जो लोग थे, जो वो सरकार की नीतियों से असंतुष्ट थे, वो सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे, तो उस केस में देखोगे कि जो कल कारखाने थे वो भी हड़ताल लगने लगती है, हड़तालें होने लगती हैं, मजदूरों में भी काफ़ी आक्रोश हो जाता है। और आप देखोगे कि सारे के सारे पूरे देश में असंतोष की एक तरह से लहर फैल जाती है और हिंसात्मक आंदोलन बढ़ रहा था। ठीक है, फरवरी में देखोगे 1930 में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी होती है उसने महात्मा गांधी का सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करने की क्या करता है, अधिकार दे देता है। तो इस तरह से आपको देखना है पहला कि कारण क्या रहा,
गांधी इरविन इम्पैक्ट फेलुअर होने का भी कारण था। गांधी ने जो 11 सूत्री मांगे रखी थी इरविन के, उन्होंने मानने से मना कर दिया। दूसरा, कार्यक्रम में मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो नमक का कानून था, ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना है, जो कानूनी अदालतें थी, जो सरकारी विद्यालय थे, महाविद्यालय थे या सरकारी जो समारोह हुआ करती थी, उन सब का बहिष्कार करने की बात थी। भू राजस्व की बात कर लो, लगान न देने की बात होने लगी, कर भी नहीं, टैक्स भी पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, शराब हो गया या और भी अन्य जो मादक पदार्थें होती थी उनकी दुकानों पे क्या क्या इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन वो धरना प्रदर्शन शांति रूप में रहा। वहीं पर फिर देखते हो कि जो विदेशी वस्तुएँ होती थी, जो कपड़े होते थे, उसका भी उन्होंने बहिष्कार किया। फिर जो सरकारी नौकरियां थी, जो उसमें भी लोगों को कहा गया वो त्याग करें, छोड़े सरकारी नौकरियों को। तो इस तरह से देखोगे कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में किस तरह की घटनाएं होती हैं और किस किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं और कौन कहां से कौन सी यात्रा करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इसके लिए मैं यही बोलूँगा कि इसके लिए आप क्या करना कि स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है राजीव अय्यर की, उस बुक में जाएंगे, उसमें एक चैप्टर ही आपको मिल जाएगा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, जहाँ गांधी हरा का बात करोगे तो वहाँ से आप इस कंटेंट को बहुत अच्छे से वहाँ लिखा हुआ है, बस आपको ये डायमेंशन कवर करना है। अगला जो टॉपिक है वो है गांधी इरविन समझौते को लेकर के, जिसको हम दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। ध्यान में रखना है कि मार्च 1931 में आप देखोगे कि सुप्रू और जयकर होते हैं और श्रीनिवास, इन तीन लोगों के मतलब संयुक्त प्रयास से आप देखोगे कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। और यहाँ पे एक फेमस स्टेटमेंट है सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू ने इसे कहा था कि दो महात्माओं का मिलन, क्या कहा था, दो महात्माओं का मिलन, ऐसा कहा था सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, दो महात्माओं का मिलन कहा गया। और इस समझौते को ही दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। फिर क्या होता है कि जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन होती है वो स्थगित कर दी जाती है। और यहाँ पे इसके आउटकम में ये आता है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, सम्मेलन जो होता है, राउंड टेबल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने की स्वीकृति दे दी जाती है। और आप देखोगे कि इसमें यह कहा गया कि जो पुलिस जो है ज्यादतियाँ करती हैं उसके लिए सरकार पर अधिक दबाव नहीं डालेगी, ठीक है। ये सब तीन चार बातें थी जो रखा गया था इसमें। सरकार के तरफ से यह कहा गया कि जो हिंसा के जो दोषी होंगे ना, उन्हें छोड़कर जो और बाकी जो लोग हैं जिनको राजनीतिक कैदी बनाया गया है, उनको छोड़ने की बात की गई थी। और यह कहा गया कि इस संघर्ष के दौरान जो अध्यादेश जारी की गई है या जो अभियोग लगाए गए हैं ना, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जो नमक कानून था, ठीक है, वो नमक कानून में सरकार कोई व्यापक परिवर्तन नहीं करेगी, लेकिन उसमें यह कहा गया कि जो समुद्र के तट के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें नमक बनाने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक देखो, एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन है, एक कहा जाता है कि गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है, एक तरह से कह सकते हो कि उन्होंने भगत सिंह और जो अन्य क्रांतिकारी होते हैं उनकी फांसी की सज़ा से मुक्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, ऐसा कहा जाता है गांधी के ऊपर यह आक्षेप लगती है। लेकिन जहां तक हर सच्चाई की बात है तो ऐसा नहीं था, क्योंकि क्लियर कर दिया था वायसराय इरविन ने कि जो हिंसा के जो दोषी कैदी होंगे ना, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो राजनीतिक कैदी होंगे उनकी बात वो माना कि वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब सवाल ये होता है कि जो सम्मेलन होते हैं, जो गोलमेज सम्मेलन होती हैं, जिसमें आप देखोगे कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, तो ध्यान रखना है ये बात है कि ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसने जो तत्कालीन वायसराय थे, तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, उसकी अध्यक्षता में देखोगे कि 1930 में क्या होता है कि लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका फ्रेंड्स उद्देश्य यह होता है कि भारत में जो सुधार होंगे उससे संबंधित जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट होगा उस पर विचार करना था। इसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी जो राज्य थे उनके भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन ध्यान रखने वाली यह बात थी कि इसमें कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है। देसी राज्यों के जो शासकगण थे और अन्य प्रतिनिधि थे, वो उन्होंने तीन मुद्दों पे सहमति बनाई थी। यहाँ पे पहला मुद्दा यह था कि भारत के लिए एक संघीय सरकार होगी, ठीक है। दूसरा, केंद्र के पास आंशिक उत्तरदायित्व होगी,
केंद्र के पास ज़्यादा नहीं, केंद्र के पास क्या होगा, आंशिक उत्तरदायित्व होगा। और तीसरा यह बात पर सहमति बनी कि जो कुछ निश्चित जो पहले के जो उपाय किए गए थे, मतलब पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता पर जोर डाला डाला गया, ठीक है। और ध्यान रखना कि डॉक्टर अंबेडकर ने यहाँ पे दलितों के लिए पृथक निर्वाचक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। वहीं पे आप देखोगे कि हिंदू जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इन दोनों मांगों को अस्वीकार कर दिया था। गांधी की अंबेडकर की जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी और जो कुछ निश्चित जो प्रांतीय स्वायत्तता पे बात हो रही थी, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अंबेडकर शामिल हुए थे और उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। दूसरा जो पॉइंट था इसमें, एक चीज़ और याद रखना था गोलमत सम्मेलन में, कि आपको मैं कुछ संगठन बता दूं, जैसे मुस्लिम लीग के तब से देखोगे कि मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी थे, आगा खां थे, फजलुल हक और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हिंदू महासभा के तरफ से डॉक्टर मुंजे थे, जयकर थे, उदारवादी जो दल थी उसमें सुप्रू थे, सी वाई चिंतामणि थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। तो इस तरह से आप देखोगे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो पॉइंट आपको जो स्पेक्ट्रम की बुक है वहाँ पे आपको काफ़ी वेल रिटेन है, बस आपको वहाँ से एक बार इस चैप्टर को देख लेना है। उसी तरह से आप देखोगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आउटकम ये इम्पोर्टेंट था कि जो वहाँ पे दो उप समितियों की बात होती है, एक होती है संघीय संरचना वाली समिति की बात और दूसरा होता है अल्पसंख्यकों की समितियों की बात। अब आपको ध्यान में यह रखना है कि जब आप पढ़ रहे हो गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करोगे तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और यहाँ पे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कौन किसमें पार्टिसिपेट किया, तो आपको वही करना है, राजीव अहिर की जो स्पेक्ट्रम की बुक है वहाँ से आपको इसके कंटेंट्स को कवर करनी है। ध्यान में रखिएगा कि एक स्टेटमेंट कहा जाता है गांधी के बारे में, गांधी कहते हैं जब वापस आते हैं तो उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, ऐसा स्टेटमेंट गांधी का था, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन जो ध्वज मुझे दिया गया, जो इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जो झंडे दिए गए, उसे मैंने नीचा नहीं होने दिया, जो मैं जिस तर्क के साथ गया था उसी पे फॉलो किया, भले ही मुझे खाली हाथ लौटा, ऐसा उन्होंने गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तीसरा जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है फ्रेंड्स, उसमें आप देखते हो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कि कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि जो है इसमें भाग नहीं लेता है, और पहले की अपेक्षा इसमें जो कुल प्रतिनिधियों की जो संख्या होती है वो काफ़ी कम होती है। तीनों अधिवेशनों के जो सम्मिलित विचारों के आधार पर देखोगे कि ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक वाइट पत्र, श्वेत पत्र जारी करती है, श्वेत पत्र जारी करती है, ठीक है। और इसमें कहा जाता है कि उसने भारतीयों के समस्याओं के भारतीय समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ पॉइंट सम्मिलित करता है इस पॉइंट में। विशेष में यह ध्यान रखना कि जयकर, सप्रू, अंबेडकर, ठीक है, ये सब गणमान्य व्यक्ति जो थे, तीनों के तीनों गणमान्य व्यक्ति तीनों सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया है। वहीं आप देखोगे कि जो व्यवसायी थे उनके तब से पहले सम्मेलन में दूसरे सम्मेलन में बिरला, तीसरे सम्मेलन में ठाकुर दास, मतलब पहले सम्मेलन मोदी, दूसरे सम्मेलन में आपको बिरला हो गए, तीसरे में ठाकुर दास, ऐसे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था व्यवसायियों की तरफ से। और वहीं आप देखते हो कि ये ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा टाइम बाउंड देख लेना, थोड़ा सा इसके आउटकम्स को देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट बनते हैं और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है फ्रेंड। अगला जो हम टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक है हमारा मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक पंचाट है। देखो जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, ठीक है, प्रांतीय व्यवस्था के जो सभा की जो सीटों की संख्या होती थी ना, उसको कहा गया कि हम डबल कर देंगे, मतलब कि दोगुना किया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी, उसकी व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो एंग्लो इंडियन होते थे ना, और यूरोपियों को भी शामिल किया गया। वहीं आप देखोगे कि जो दलित वर्ग थे ना, दलित वर्ग, तो दलित वर्ग के लिए भी एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र सहित कहा जाता था कि आम निर्वाचन क्षेत्र में भी उनका मताधिकार का परमिशन उनको दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा। वहीं देखोगे कि जो उत्तर पश्चिम जो सीमाई प्रांत हैं, उत्तर पश्चिम जो सीमाई प्रांत है, उसके अतिरिक्त आप देखोगे कि जो प्रांतीय विधान परिषदें होती थी उसमें महिलाओं के लिए
3% आरक्षण की बात की गई थी, रिजर्वेशन की बात की गई थी। तो इस तरह से देखते हो कि मैकडोनल्ड का जो सांप्रदायिक पंचायत था उसका क्या क्या प्रोविज़न थे। ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हैं वो चैप्टर जनरली आप देखोगे कि एक तो एनालिसिस पार्ट होगा गांधी एरा का, वहाँ पे इस पर इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा प्लिंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में एक चीज़ आता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में आपको पता है कि जो जो मैकडोनल्ड की जो पंचायत थी उसके जो विरोध में आप देखते हैं कि गांधी जो होते हैं, गांधी पुणे के यरवदा जेल में आप देखोगे कि वहाँ पे ये क्या करते हैं, आमरण अनशन कर देते हैं। और वहीं पे आप देखते हैं कि इनके साथ अंबेडकर जी के साथ मिलकर के गांधी के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम पूना समझौता कहते हैं या पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि जो हरिजन हैं उनको पृथक जो निर्वाचन व्यवस्था होगी उसमें से हटाकर उनको समान निर्वाचन का भाग मान लिया जाएगा। ठीक, दूसरा कि इसमें जो 71 पंचायत में जो 71 सीटें मिल रही थी, जबकि पूना जो समझौता हुआ उसमें उन्हें 147 सीटें दी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो केंद्रीय सभा थी, जो कि केंद्रीय विधानसभा थी, उसमें 18% के आसपास सीटों का रिजर्वेशन की बात की गई, आरक्षण करने की बात की गई। वहीं आप देखोगे कि जो दलित थे उसके लिए स्थानीय सेवाओं के लिए सार्वजनिक सेवाओं में भी उचित जो प्रतिनिधित्व होती थी उसकी देने की व्यवस्था की गई। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट बता दूँ कि 1932 के आसपास देखोगे, 1932 के आसपास छुआछूत विरोधी लीग बनती है। ठीक है, उसकी स्थापना की जाती है। वहीं आप देखते हो गांधी ने यंग इंडिया जो पत्रिका होती है उसका नाम हरिजन रखते हैं 1932 में ही। 1933-34 में देखोगे लगभग 12,500 मील की जो यात्रा की जाती है जिसे हम लोग हरिजन यात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है, प्लेन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसी तरह से 1934 में ही आप देखोगे कि बिहार में काफ़ी बड़ा एक भूकंप आता है जिसमें स्वर्ण हिंदुओं के पापों का प्राकृतिक दंड कहा जाता है। ठीक है, एक तरह से क्रिटिक्स है, ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है कि बिहार में जो 1934 में 1934 में जो भूकंप आते हैं उसमें कहा गया कि जो स्वर्ण हिंदू हैं, जो अपर कास्ट हिंदू हैं, उनके पापों का प्राकृतिक दंड के रूप में लोगों ने संबोधन किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि पूना का जो पैक्ट था गांधी का और गांधी और अम्बेडकर का, इसके क्या प्रोविज़न थे, ये इस पॉइंट को आपको वहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव, आपको 1940 में 1940 के आसपास, इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से वायसराय जो तत्कालीन वायसराय होते हैं लिनलिथगो, उनका नाम होता है लिनलिथगो ने कांग्रेस की सहायता हासिल करने के लिए एक 8 अगस्त को एक प्रस्ताव रखता है। उनके अनुसार कहा जाता है कि जो अंग्रेजी सरकार ने यह मान लिया कि संविधान बनाना भारतीयों का अपना उत्तरदायित्व है, ऐसा माना, और साथ में जो भारत की जो सामाजिक आर्थिक देखोगे धार्मिक परिस्थितियों पर यह निर्भर करता है। दूसरा उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद जो सांविधिक निकाय है वो बनाया जाएगा, लेकिन इसका अनुमोदन जो होगी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा होगी, वहाँ से करना था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 का ये आपको देखना है। उसके बाद देखोगे कि कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि व्यक्तिगत कुछ सत्याग्रह की बात होती है। इस बीच में गांधी की कोई सत्याग्रह नहीं चलती है, तो उन्होंने कहा क्या कि इंडिविजुअल सत्याग्रही की बात होगी। जैसे आप देखोगे इसमें कि गांधी ने 1940 में व्यक्तिगत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो होता है 2.0 जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने चालू किया। उसमें कहा कि अब हम जो है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। उसमें क्या किया इन्होंने, विनोबा भावे जो थे और जवाहरलाल नेहरू विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। ठीक है, और वहीं दूसरे सत्याग्रही में चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरे सत्याग्रही चुना गया वो थे ब्रह्मदत्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस आंदोलन में भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी और सार्वजनिक रूप से युद्ध विरोधी जो विचार थे उसमें उसे व्यक्त करने का मुद्दा बनाया गया। और ध्यान रखना है कि इस सत्याग्रह का उद्देश्य यह प्रदर्शित कर देना था कि इस युद्ध में भारत अंग्रेजों के साथ नहीं है, भारत जो है वो अंग्रेजों के साथ नहीं है और भारतीयों की सहमति के बिना यह युद्ध लड़ा जा रहा है, ऐसा इसका उद्देश्य था। यह दिखाने का कि जो अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं उसमें भारतीयों का सहयोग नहीं है और भारतीयों के मतलब
क्या उसको सहमति के बिना अंग्रेज यह युद्ध लड़ रहे, ऐसा वो दिखाने की बात थी। वहीं पर आप देखते हो कि जब जो भी सत्याग्रह सत्याग्रही जो होते थे वो गिरफ्तार नहीं होता, वो गांव की ओर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और अपना संदेश वो गांव गांव तक पहुंचाने लगते हैं। इसी में आप देखोगे कि दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं लोग, इसको बोलता इसीलिए इसको बोला जाता है दिल्ली चलो आंदोलन, इसको चला बोला जाता है दिल्ली चलो आंदोलन 1940 में, तो ध्यान में ये भी रखना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो टॉपिक है हमें इसी में देखना है, वो टॉपिक था क्रिप्स मिशन का। देखो क्रिप्स मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी पूछ देगा। मान लो क्रिप्स मिशन दे दिया, साइमन कमीशन दे दिया, ठीक है दिल्ली चलो आंदोलन दे दिया, अगस्त प्रस्ताव दे दिया और बोलेगा कि कौन घटना पहले, पूना पैक दे दिया और एक तरह से क्रोनोलॉजी पूछ दिया। ऐसा UPSC में एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान यह रखना है कि 22 मार्च 1942 में आप देखोगे कि क्रिप्स नामक एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव मंडल भारत आता है और इस मिशन में कुछ सुझाव कुछ प्रस्ताव दिए जाते हैं, उसके आप दो भाग में बांट के देख सकते हो। पहला उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान क्या होगा कि जो ब्रिटिश सरकार होगी वो अनिवार्यतः भारत की रक्षा का उत्तरदायी होगा और नया संविधान बनाने तक वह भारतीय प्रतिरक्षा का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा। कहा गया कि यहाँ पे भारतीय तो संविधान बनाएंगे लेकिन जब तक वो बन नहीं जाता है तब तक उनकी कंट्रोलिंग करने का काम, गाइड करने का काम कौन करेगी, ब्रिटिश, ठीक है। वायसराय का जो कार्यकारिणी होगी उसका पुनर्गठन किया जाएगा, उसमें विस्तार किया जाएगा। इस तरह से आप देखोगे कि क्रिप्स मिशन की भी बहुत सारी कुछ कहानियाँ आती हैं, कुछ सारे प्रोविजंस दिए जाते हैं। और ध्यान एक स्टेटमेंट यह रखना है कि गांधी ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ किया था, इसे क्रिप्स मिशन के जो प्रोविजंस थे उसको लेकर के गांधी ने कहा था, यह एक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी जिसमें यह कहा गया कि जो डूबते हुए बैंक को से जोड़ा गया कि डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है। अब पता नहीं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जीतेगी कि नहीं जीतेगी, जीतेगी तो वह ऐसे ऐसे प्रोविजन करेंगे और इसकी क्या गारंटी है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा गांधी ने इसके प्रोविजंस को दिए थे। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टॉपिक गांधी के एरा की थी फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब यहाँ से दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना आगे के वीडियो के लिए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है आपको। अब जो आगे टॉपिक आएगी उस टॉपिक में निम्नलिखित चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और इस तरह से गांधी की एरा कंप्लीट होगी। तो अगली टॉपिक है हमारा, अब उसके बाद जो टॉपिक्स है इसी में गांधी एरा में आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। तो देखिए जब भी आंदोलन किसी का भी पढ़ना, चाहे स्वदेशी आंदोलन को लेकर के पढ़ो, चाहे असहयोग आंदोलन की बात कर लो या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करो, भारत छोड़ो आंदोलन में भी देखोगे तो फिर इसके भी कारण आपको देखने, तो एक एक तरीका होता है किसी भी आंदोलन को कवर करने का। तो पहला तो ये कारण देखना इसका, दूसरा इसमें यह देखना कि इसमें क्या क्या कार्यक्रम लाए गए, बाकी आंदोलनों से क्या डिफरेंट कोई कार्यक्रम थे। तीसरा यह देखना कि इसका आरंभ कैसे होता है, ठीक, और इसका प्रसार कहाँ तक, या पूरे भारत में था या किसी पार्टिकुलर एरिया में था, यह आपको देखना है। तो ऐसे करके आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। कारण में आप ये कह सकते हो कि जो क्रिप्स मिशन था तो क्रिप्स मिशन के जो फेलुअर थे, ठीक है, उसकी मिशन की जो असफलता थी वो भी एक कारण बनती है। दूसरा महंगाई इस समय काफ़ी ज़्यादा होती है तो युद्धकालीन जो विषम परिस्थितियाँ बनती है विशेषतः तो महंगाई को लेकर के, वो भी आपको दिखेगा। दूसरा 5 जुलाई 1942 में देखोगे कि 5 जुलाई 1942 को देखोगे गांधी ने जो पत्रिका था हरिजन, हरिजन में लिखते हैं कि अंग्रेज को भारत से चले जाना चाहिए और भारत को उसके भाग्य पे छोड़ देना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट गांधी लिखते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि क्या कारण रहता है भारत छोड़ो आंदोलन का। कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो इसमें भी सब जो सरकारी कर्मचारी थे उन्हें नौकरी न छोड़ने और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें, ऐसा कहा गया। दूसरा कि जो सैनिक थे वो अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा यह था कि जो रियासतें थी जो भारत वो भारतीय जनता की प्रभुता स्वीकार कर ले। और आप देखोगे कि जो छात्र थे जो विद्यालय छोड़े थे जब आज़ादी प्राप्त होने तक उसने कहा गया कि आपको इस निर्णय पर अडिग रहना है, साहस के साथ रहना है आपको यदि आपने कॉलेज छोड़ा है तो। और ख़ास करके इसमें यह ध्यान दिया गया कि कुछ विशेष क्षेत्रों में देखोगे कि जो लगान थी उसकी बंद होने की प्रस्ताव रखा गया और गांधी ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक स्वयंसेवक अपने विवेक से इस आंदोलन को करेगा।
मतलब अहिंसात्मक होने की बात थी, हिंसात्मक होने की बात नहीं थी, लेकिन देखोगे कि बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। अब ध्यान रखना है कि जो इसके प्रसार की मैं बात करूं तो आपको ध्यान में होगा कि जैसे ही आंदोलन शुरू होता है उसके शुरू होने से ठीक सुबह ही सारे के सारे जो बड़े नेता होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे जब राजीव अहिर की बुक पढ़ोगे या बिपिन चंद्रा की भी बुक में कुछ पॉइंट मिलेंगे, लेकिन एक प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे कि राजीव अहिर की बुक यहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि पॉइंट जो फैक्ट होते हैं वो एक ही जगह पे आपको कलेक्टेड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। आप क्षेत्र में बात करूँ जैसे बलिया हो गया, वहाँ पर आप देखोगे कि एक समानांतर सरकार बना दिया जाता है चिट्टू पांडे के द्वारा उनके नेतृत्व में। फिर उसमें तामलुक जगह पर देखोगे जातीय सरकार बनती है सतीश सामंत के नेतृत्व में, ठीक है। सतारा में देखोगे नाना पाटिल और भाई भी चौहान होते हैं। तो इस तरह से आपको इसका इम्पैक्ट भी पूरे भारत में दिखेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, भारतीय आंदोलन को खास करके प्रीलिम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि यहाँ पे देख लेना कि ये जो आंदोलन थे इस पर प्रतिक्रिया क्या रही लोगों की, ठीक है। खास करके देखना वामपंथियों का, साम्यवादियों का, ठीक है, अम्बेडकर का, ठीक है। इस तरह से देखना सुभाष चंद्र बोस का क्या रहा इस पे प्रतिक्रिया, ये आपको देखना है। इसी बीच में आप देखोगे कि 1943 में 1943 में बंगाल में काफ़ी बड़ा अकाल होता है जो कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मानवकृत अकाल। ध्यान रखिएगा प्राकृतिक अकाल नहीं, मानवकृत अकाल था, क्योंकि जो सरकारी गोदाम थे उसमें अनाज काफ़ी मात्रे में थे लेकिन उसको वितरित नहीं किया गया, जिसके कारण क्या हुआ, अत्यधिक जनसंख्या की क्षति हुई। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि वहाँ से एक रिपोर्ट निकली तो उसमें कहा गया कि 39 लाख लगभग व्यक्ति भूखे मर गए और 46% के आसपास तो लोग जो है गंभीर बीमारियों के कारण मर गए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ध्यान रखिएगा। और यहीं पे एक कमीशन भी बनती है जिसका नाम होता है, उसके जो हेड होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं जॉन वुड हेड। ये सारे फैक्ट आपको मिलेंगे, आप जब बिपिन चंद्रा की बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल वहाँ पे तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन स्पेक्ट्रम की जब आप बुक देखोगे ना सारे फैक्ट होंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फैक्ट्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं कोई मेजर इवेंट्स को आपके साथ एज ए टीचिंग व्यूज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरा पर्पस यही है कि आप किसी तरह से एक डायमेंशन आपको मिले, खास करके जो नए बच्चे हैं वो एक तरह से उनको एक डायमेंशन मिले कि जब वो बुक पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें और क्या दिमाग में रख करके उस टॉपिक को डिकोड करें और उस टॉपिक को ग्रैप्स करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होते हैं। अब न्यूज़पेपर की तरह तो है नहीं कि आप टेक्स्ट बुक उठाए और एक पेज स्टार्ट किया और अंतिम पेज तक आप पहुंच गए। अब जब एक पैराग्राफ कंप्लीट करते हो, एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो कोशिश करो कि उससे तुम्हारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जब मेरे वीडियोस आप देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करनी है। और मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे भारत छोड़ो आंदोलन पढ़े तो किन किन कारणों पे आपका दिमाग, आपका फोकस जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहीं पर जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात जब देखोगे तो एक राजा जी फार्मूला आता है, तो राजा जी फार्मूला में कहा जाता है कि गांधी की मतलब सहमति से 10 जुलाई 1944 को देखोगे कि गांधी की सहमति से क्या होता है कि राजा जी राजगोपालाचारी जो होते हैं वो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग जो होता है उसके बीच समझौते के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको आप यहाँ पे देख लो, जैसे इसमें कहा गया कि जो लीग होगी वो भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और जो अस्थायी सरकार होगी उसके गठन में वो कांग्रेस का सहयोग करे, ये डिमांड या सुझाव था राजा जी गोपाल का, राजगोपालाचारी का, ठीक है। दूसरा कहा कि युद्ध के बाद जो भारत के जो उत्तर पश्चिम होगा और जो पूर्वी भाग होंगे उसमें जो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र होगा उसका सीमा जो निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। और एक बात और कही गई कि जो बेसक मताधिकार होंगे ना उनकी बेसक मताधिकार प्रणाली के आधार पर भारत से संबंध विच्छेद करने का निर्णय लिया जाएगा इन क्षेत्रों में, ठीक है। और साथ में यह कहा गया कि जो देश का जो विभाजन की स्थिति में क्या होगा कि जो रक्षा होगा, जो डिफेंस की बात होगा, जो ट्रेवल का भी होगा, यातायात का, ट्रांसपोर्टेशन की बात होगा, वो आपसी जो समझौता किया जाएगा और अच्छा विदेश जैसे मुद्दे भी केंद्रीय शक्ति के पास होगी, ऐसा राजा जी फार्मूला में सुझाव दिया गया था। तो इस तरह से आप राजा जी फार्मूला को एक बार देख लो, हो सकता है प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछ दे, हो सकता है पूछ दे कि क्या क्या फार्मूला रखे, क्या क्या मतलब सुझाव रखे गए थे राजा गोपालाचारी के द्वारा। तो ये चीज़ें थी। उसी के बाद एक देखोगे एक टॉपिक और आएगा, वो था शिमला समझौता 1945 का 1945 में। अब देखते हैं कि 14 जून को क्या होता है कि गिरफ्तार जो सभी नेता होते थे उनको क्या कर दिया, तो यह कर दिया जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये इसमें जो जो
शिमला समझौते में देखोगे कि जिन्ना की जो बोलते हैं ना हट धर्मिता जिसको बोलते हैं, उसके कारण मुस्लिम सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को होगी, इस बात पे सहमति नहीं बनने दी जाती है। उनका कहना है कि जो मुसलमान चुने जाएंगे वो मुस्लिम लीग ही चुने जाएंगे, और कांग्रेस तो शुरू से ही रही ना कि हम सिर्फ हिंदुओं की तो पार्टी है नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम भी हैं हिंदू भी हैं, तो इस बात पे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात यह ध्यान रखना कि यहाँ पे 14 जुलाई को आप देखोगे कि वायसराय ने शिमला सम्मेलन जो 1945 का, तो उसको कह देता है कि यह असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिना कोई नेताओं से वो संपर्क नहीं करता, क्योंकि मुस्लिम लीग के ओपिनियन वो देख चुका था वायसराय जो था, दूसरा उसने कांग्रेस की भी ओपिनियन देखा और उसने डिक्लेयर कर दिया कि शिमला समझौता जो वो फेलियर हो जाती है। इसी बीच में देखोगे कि 1945 से 1946 के बीच में आम चुनाव होती है, ठीक है, आम चुनाव होता है। इसमें आप देखोगे कि केंद्रीय विधान परिषद में लगभग 102 सीटों में से 57 सीटें हासिल हो जाती है, कांग्रेस पुनः भारी सफलता मिलती है कांग्रेस को। और वहीं पे आप देखोगे जो साधारण चुनाव के क्षेत्रों में देखोगे कांग्रेस को लगभग 91.3% का वोट भी मिलता है। तो इस तरह के आप पॉइंट जब उस पढ़ेंगे तो इस तरह के पॉइंट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, ताकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कोई क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप कोट कर सको तो आपको हो सकता है। बाकी प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो पूछते ही पूछते हैं साथ में, और साथ में ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रख के भी चलना है। अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो टॉपिक है कैबिनेट मिशन को लेकर के। देखो कैबिनेट मिशन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान में आपको रखना है कि ब्रिटिश जो ब्रिटेन की जो सरकार थी ना, उसकी संरचना में एक तरह से परिवर्तन होता है। वहाँ पे क्या होता है कि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं, और पैथिक लॉरेंस, उनका नाम है पैथिक लॉरेंस, और भारत का राज्य सचिव बनता है। ये दो चीजें नई चेंज होती हैं। और 15 मार्च 1946 को आप देखोगे कि इटली ने अपने सरकार की जो नीतियाँ थी उसने भारत के प्रति उसने ओपन किया, खुलासा किया। उसने कहा कि संवैधानिक प्रस्तावों के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा और उसका स्ट्रक्चर त्रिस्तरीय होगा, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष होंगे, क्रिप्स जो होंगे वो बोर्ड के ट्रेड के जो ऑफिस सचिव होंगे, और अलेक्जेंडर जो होगा वो नौसेना का प्रमुख एडमिरल थे। ये तीनों को इसमें शामिल करके भेजा जाता है। ये 23 मार्च को मिशन कराची पहुँचता है, 24 मार्च को ये दिल्ली आता है। इसमें होता क्या है, जो त्रिस्तरीय सम्मेलन के त्रिदलीय जो सम्मेलन बुलाया गया उसमें देखोगे कि कांग्रेस भी आती है, ठीक है, उसके बाद आपको देखोगे कि लीग भी आती है, और इन तीनों के तीन तीन प्रतिनिधि बुलाए जाते हैं। लगभग 5 से 11 मई के आसपास देखोगे सम्मेलन चलता है, लेकिन कोई भी समझौता नहीं होता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो कांग्रेस कार्यकारिणी होती है उसने 17 मई को इस योजना पर विचार रखा और इसे स्वीकृति दे देता है कैबिनेट मिशन को। तो इसमें क्या प्रावधान था, प्रावधान यह था कि जो पाकिस्तान के निर्माण की मांग थी उसने टोटली मना कर दिया, नामंजूर कर दिया कैबिनेट मिशन ने। अब देखो क्या होती है, कहा गया कि इस मिशन के अनुसार कि नई समस्याएं जन्म लेगी यदि पाकिस्तान के निर्माण की बात है, कहा कि पंजाब भी मांगेगा, फिर बंगाल जैसे क्षेत्रों में भी समस्या आ जाएगी, और एक संघीय जो ढांचे का निर्माण हो उसमें जो शक्तियाँ थी वो निश्चित रूप से केंद्र प्रांतों के बीच में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन की बात, बटी होने की बात कही गई, और कुछ विशेष शक्तियों के अतिरिक्त जो अन्य शक्तियाँ थी, जो अवशेष शक्तियाँ जिसको बोलते हैं, वो कहा गया कि प्रांतों को सौंप दी जाए। ऐसा इन्होंने ये चीज़ें रखी। और इसमें आप देखोगे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, मतलब समूह क, ख, ग करके तीन समूह में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत जो होता है उसको एक जगह रखते हैं। तो इस तरह से जब कैबिनेट मिशन पर हो तो इन सब टॉपिकों को ध्यान में रख करके, इन सब पॉइंटों को ध्यान में रख करके ये चीज़ें डिटेल आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चंस का कवर हो सके। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हो तो कैबिनेट मिशन का देखना कि परिणाम क्या होता है, ठीक, और इसका प्रभाव क्या होता है, ये दोनों चीज़ें आपको बुक से, कंटेंट से फाइंड आउट करना है। परिणाम और प्रभाव दोनों को देखना है, ठीक है। परिणाम में देख लेना कि कैसे कैबिनेट मिशन के जाने के बाद जुलाई में देखते हो कि संविधान सभा का गठन होता है, उसके लिए चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस में को 296 में से 201 सीटें मिलती है और लीग को मात्र 78 सीटें मिलती है, ठीक है। जब देखते हो कि जब लीग को मात्र 24% के आसपास सीट मिलती है तो क्या करता है, कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका प्रभाव भी देखिए और इसका परिणाम भी देख लीजिए। अगला जो टॉपिक था वो टॉपिक था बेबल का, सॉरी यहाँ जा लिखा गया, बेबल का जो ब्रेकडाउन प्लान है, बेबल का जो ब्रेकडाउन प्लान है 1946 का वो क्या है, इसको देखना है। इसमें आप देखते हैं कि बेबल की जो योजना को भारत में अंग्रेजी शासन के जाने
का एक मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आप मान सकते हो बेबल प्लान से। इसमें क्या किया कि जो पश्चिमोत्तर और जो उत्तर पूर्वी जो प्रांत था जो ब्रिटिश सेना अधिकारियों के अधीक्षण में रहेंगे, और उसने कहा कि जो शेष प्रांत होगा वो कांग्रेस के अधीन जो सरकारें होंगी उसके अनुसार होगा। बेबल के अनुसार कहा गया कि यदि अब कोई बड़ा आंदोलन चला तो इसे बने रहना असंभव हो जाएगा। तो इस तरह से देखोगे कि बेबल का 1946 का प्लान होता है। तो दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखना, इसमें एक तरह से कह देते हो कि अंग्रेज का जाने का शुरुआत यहाँ से होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हो। इसी बीच में आप देखोगे कुछ छोटी छोटी और घटनाएं होती हैं, जैसे लंदन सम्मेलन देखोगे, लंदन सम्मेलन भी पढ़ोगे, जिसमें देखोगे 1946 के आसपास ब्रिटिश सरकार में ने नेहरू हो गए, पटेल हो गए, बलदेव सिंह हो गए, जिन्ना हो गए, लियाकत अली साहब हो गए, ठीक है, ऐसे लोगों को उन्होंने लंदन बुलाया, लेकिन वहाँ भी ये समझौता न हो सका, ठीक है, लंदन सम्मेलन का कहानी। दूसरा था इटली घोषणा, देखोगे 20 फरवरी 1947 के आसपास कि इटली ने घोषणा किया कि हम 30 जून 1948 तक से पहले भारत में क्या करेंगे, भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, वहीं पे इटली का घोषणा पत्र होता है। इसी बीच में एक बाल्कन प्लान भी आता है। बाल्कन प्लान में क्या होता है, कहा जाता है कि जो भारत की जो स्वतंत्रता और विभाजन को लेकर के माउंटबेटन ने पहले जो रखी थी योजना जो रखी थी उसको बोला जाता है बाल्कन प्लान, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पाई। अगली जो इसमें देखना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना देखोगे कि जो माउंटबेटन नया वायसराय के रूप में शपथ लेता है 24 मार्च 1947 को, तो निर्णय करता है कि जो सांप्रदायिक दंगे हो रही हैं या जो गृह युद्ध है उसको रोकना है और सत्ता को किसी भी तरह शीघ्र ही भारतीयों को सौंप देना। इस तरह से आप देखोगे कि माउंटबेटन योजना अपना काम करती है। और इसी में देखते हैं आपकी विभाजन की जो नेसेसिटी होती है, जो अनिवार्यता होती है, भारत और पाकिस्तान नमक जो दो जो सेल्फ पृथक डोमिनियन की स्थापना करने की बात हो जाती है। वहीं पे कहा जाता है जो पश्चिमी जो सीमाई प्रांत होता है हमारा, जो सिलहट होता है, वहाँ पे भी बोला जाता है कि एडल्ट मतलब वयस्क मताधिकार के आधार पर वहाँ पे लोगों को अपना भविष्य चुनने का निर्णय लेने का परमिशन दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, ये चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरह से आप देखोगे कि इस पंजाब एवं बंगाल के बंटवारे के लिए एक सीमा आयोग बनती है, जिसमें इसको बोला जाता है रेड क्लिप की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं माउंटबेटन योजना में। और फिर हमारा आता है लास्टली हो जाता है भारत आज़ादी का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये टॉपिक आपकी कंप्लीट होती है। और आपको दो चीज़ें फिर मैं बोल रहा हूँ, पहली बात थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट में आप जाकर देखना है, आप बिपिन चंद्रा की बुक देख लीजिएगा। दूसरा जो फैक्ट प्लस में थोड़ा एनालिसिस पार्ट भी आएगा, जैसे मैंने कहीं कहीं पर प्रभाव की बात की है, कहीं कहीं पर मैंने परिणाम की बात की है, तो इन सब चीज़ों को देखना है। तो आपको राजीव अहिर की जो बुक आती है स्पेक्ट्रम, उसमें से जाके इस कंटेंट को आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे और यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक वीडियो और हम लेकर के आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस की बात होगी। और जो लास्ट का जो दो टॉपिक बचा हुआ है, जो एक्चुअली मैं एक बात मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि एक टॉपिक है इसमें जो मैंने आपको दिया था कि महिलाओं की जो भूमिका को लेकर के जो बात हो रही थी कि महिलाओं का भूमिका कैसा था स्वतंत्रता संग्राम, इस पे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है हिस्ट्री वाले सेक्शन में, हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को लेकर के क्वेश्चंस हैं। लेकिन थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो आगे की एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की भूमिका, भारत के जो कुछ नेता जो महान विचारक हुए उनके विचारों को लेकर के और ब्रिटिश प्रशासन और उनकी नीतियों को लेकर के दो वीडियो और मैं लेकर के आऊँगा। तो ये जाकर के मॉडर्न इंडिया जो है 1857 से लेकर के 1947 तक के एक कंप्लीट चैप्टर हो जाती है। लेकिन मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप ताकि बुक को पढ़ें, देखिए बुक का कोई कम्प्लीमेंट नहीं है, चाहे आप किसी का नोट्स पढ़ लीजिए या चाहे आप किसी का वीडियो देख लीजिए, यहाँ तक कि आप कहीं कोचिंग क्लासेस भी करते हैं, आपको ने ये रियलाइज़ किया होगा कि क्लासेस के बाद भी आपको बुक्स पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ते मिसगाइड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने नोट्स पढ़ लिया तो हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं है। बुक्स का एक अलग अहम है और बुक्स का एक अलग अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि हम आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें जिसके तहत जब आप बुक्स पढ़ें तो आपको एक इंटरेस्ट बने, क्योंकि हमारे चैनल से काफ़ी ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो कहीं कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करते। तो हमारा पर्पस है कि कम से कम आपको एक गाइड प्रोवाइड करूं, आपको एक रास्ता दिखाऊं ताकि आप उसको फॉलोअप कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, शेयर किया है।
और जैसा भी आपका फीडबैक है आप मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा लगता है वीडियो। और मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।